नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चूहे जैसे दिखने वाले जानवर यानी नेवले से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। क्या आप जानते हैं नेवला भी आपको मालामाल और कंगाल दोनों बना सकता है। ज्योतिष में भी नेवले के दिखने को कुछ जगह शुभ तो कुछ जगह अशुभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को सुबह नींद से उठते ही नेवला दिख जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो निकट भविष्य में मालामाल होने वाला है। तो वहीं नेवले का सीधा संबंध जमीन में छुपे खजाने से भी माना जाता है। इसीलिए सुबह सुबह इसका दिखना यही संकेत देता है कि व्यक्ति को गुप्त धन मिलने वाला है। इसी तरह अगर कहीं जाते समय नेवला रास्ता काट जाए या फिर इसकी एक झलक ही दिख जाए तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो 100% पक्का पूरा हो जाएगा। वैसे भी दिन के समय नेवला दिखना ज्यादा शुभ नहीं होता, लेकिन कई बार ये परेशानियों की समाप्ति का संकेत भी देता है। और अगर आप कोर्ट के किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको नेवला दिख जाए तो उसी पल समझ लीजिए आपकी जीत पक्की। लेकिन अगर नेवला प्राकृतिक रूप से सांप से लड़ाई करता हुआ दिखे तो इसे अशुभ माना जाता है। और अब आपको बताते हैं कि अगर सपने में नेवला दिखे तो क्या होता है। ज्योतिष के मुताबिक सपने में नेवला छुपे हुए खजाने का प्रतीक है। यदि व्यक्ति दोपहर में सोते वक्त सपने में नेवला देखे तो ये उसके लिए बहुत बुरे संकेत है, क्योंकि ज्योतिष में इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष के अनुसार दोपहर में सपने में नेवला आर्थिक हानि और परेशानी लेकर आता है। और अगर आसानी से आपको नेवला नहीं दिखता तो वास्तु शास्त्र इसमें मदद कर सकता है। अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो फेंगशुई के नेवले को घर के मेन हॉल में रखें। बता दें कि जिस जमीन पर नेवले का बिल हो उस पर बने मकान में रहने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती। अगर किसी के लिए जा रहे हैं तो घर में रखे नेवले को देखकर ही जाएं। काम हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप घर में नेवले का चित्र रखते हैं और उस फोटो में एक बड़े नेवले के ऊपर और आसपास छोटे नेवले दिखाई दे रहे हैं तो ये वंश वृद्धि का प्रतीक है, यानी इसे घर में रखने से वंश की वृद्धि होकर संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर ऑफिस में कुछ समस्या चल रही हो तो इसे अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। इससे ऑफिस के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और नेगेटिव एनर्जी कम होगी। तो वहीं अगर आपकी दुकान नहीं चल रही और बिजनेस बंद होने की नौबत लग रही है तो ऐसे में कुछ दिन नेवले को दुकान दक्षिण दिशा में रखें। ऐसा करने से बंद पड़ा बिजनेस चल पड़ेगा। अगर आपको भी कभी नेवला सपने में दिखा हो, उसके बाद आपके साथ अच्छा या बुरा क्या हुआ, नेवला दिखने से आपका काम बना या और बिगड़ गया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह और भी रोचक जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।